एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक कोडिंग का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ 80 इक्वल्स टू 20, बैट इक्वल्स टू 40, देन कैट विल बी इक्वल टू हाउ मच। कैट का क्या कोड होगा? तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा होगा कि 80 को 20 दे रखा है, 20 से डिनोट कर रखा है, बैट 40 से डिनोट है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर रखा है, तो देखते हैं इसे। हमने अज्यूम कर लिया कि ए हमारा क्या है, 1 है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ए 1 है, बी 2 है, जी 26 होता है, 26 होते हैं ना हमारे पास। तो हमने ए को 1 अज्यूम कर लिया है। फिर हम उसके बाद हम जब देखेंगे इस पैटर्न को, 80-20 कर रखा है। ए हमारा 1 है, टी हमारे जो अल्फ़ाबेट पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, 20 पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। सेम यहाँ पे जाएंगे तो बैट क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 80 तो हमें पता है कि हमारा 20 है, और बी को हमने क्या अज्यूम कर रखा है, 2 अज्यूम कर रखा है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2, व्हाट वी विल गेट, 40। तो ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम कैट में देखते हैं। कैट में 80 हमारा क्या दे रखा है, 20 है पहले। सी क्या, कौन से पे आएगा, सी आएगा थर्ड अल्फ़ाबेटिकल पे, नंबर पे। तो अगर हम इसे करेंगे 20 से मल्टीप्लाई तो 60 आ जाएगा। सो आर आंसर इज़ 60। कैट का जो कोट है, कैट विल बी इक्वल्स टू 60। आई होप यू गेट दिस, आपको समझ में आया होगा, यू गेट दिस सॉल्यूशन। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।